वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। महंगाई के दौर में भी लुटियंस की दिल्ली में कॉफी 5 रुपए, चिकन करी 50 रुपए, फिश करी 40 रुपए और शाकाहारी थाली 35 रुपए में मिल जाए तो खाने वाले का जायका जरूर दोगुना हो जाएगा। लेकिन खुश होने से पहले जरा ठहरिए, यह सस्ता खाना आम आदमी के लिए नहीं है, इस तक सिर्फ चुनिंदा लोगों की ही पहुंच है। यहां बात हो रही है संसद के कैंटीन की। यहां मिलने वाला खाना बाजार की तुलना में कहीं सस्ता हुआ करता था, मगर अब सब्सिडी खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। शुरू करने से पहले संसद की कैंटीन में अब तक मिलने वाले खाने की कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। अब तक जो खाना उपलब्ध था उसके मुताबिक संसद की कैंटीन में ब्रेड एंड बटर 6 रुपए, चपाती 2 रुपए, चिकन करी 50 रुपए, चिकन कटलेट प्लेट 41 रुपए, चिकन तंदूरी 60 रुपए, कॉफी 5 रुपए, प्लेन डोसा 12 रुपए, फिश करी 40 रुपए, हैदराबादी चिकन बिरयानी 65 रुपए, मटन करी 45 रुपए, उबले चावल 7 रुपए और सूप 14 रुपए में मिला करते थे। संसद की कैंटीन के सस्ते खाने का लुत्फ सांसद और उनके मेहमान, पूर्व सांसद, संसदीय परिसर के अधिकारी, अन्य स्टाफ और वैध पास वाले आगंतुक ही उठा सकते हैं। आम आदमी को इस सस्ते खाने की सुविधा हासिल नहीं है, लेकिन वो शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि दावा किया जाता है कि संसद की कैंटीन को करदाताओं के पैसे से सब्सिडी नहीं दी जाती और इन्हें ना फायदा ना नुकसान यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जाता है। मगर दूसरी तरफ एक आरटीआई के जवाब में खुद संसदीय सचिवालय ने कैंटीन पर दी जाने वाली सब्सिडी का जो ब्यौरा दिया है वो चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक 2012-13 में 12.52 करोड़ रुपए, 2013-14 में 14.09 करोड़ रुपए, 2014-15 में 15.85 करोड़ रुपए, 2015-16 में 15.97 करोड़ रुपए और 2016-17 में 15.40 करोड़ रुपए की सब्सिडी संसद के कैंटीन को दी गई। 2015 में संसद की कैंटीन में सस्ते खाने का मामला खूब सुर्खियों में रहा था। ऐसा इस तथ्य के सामने आने के बाद हुआ था कि संसद की कैंटीन के खाने की लागत पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। उस वक्त लोकसभा में बीजू जनता दल के सदस्य बैजयंत जय पांडा ने इसी मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि जब सरकार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से एलपीजी सब्सिडी वापस करने के लिए कह रही है तो ऐसे में सांसदों से भी कैंटीन में सब्सिडी की वजह से मिल रही सस्ते खाने की सुविधा वापस ले लेनी चाहिए। इस कदम से लोगों में अच्छा संदेश जाएगा और सांसदों पर उनका भरोसा भी बढ़ेगा। सांसद की चिट्ठी मिलने के बाद लोकसभा ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया। लोकसभा सचिवालय ने 31 दिसंबर 2015 को इस संबंध में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद स्पीकर ने कई फैसले किए हैं, उनमें सबसे अहम है कि संसद की कैंटीन अब नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करेगी, मगर सांसदों की थाली पर सब्सिडी मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, जिसे कि अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है। संसद की कैंटीन में दी जाने वाली सब्सिडी पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की हर खबर की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।